देश की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है, और उसका ब्यौरा मांगना किस कदर महंगा पड़ सकता है वो आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ राज खान मौजूद हैं, जिन्होंने उस जामा मस्जिद का ब्यौरा मांगा, जिसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। तो हमारे साथ राज खान जी मौजूद हैं। राज खान जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड क्या है और किस बैकग्राउंड से आते हैं आप? फादर मेरे इंडियन आर्मी में ऑफिसर हैं जी, अभी उनकी डेथ हो गई। मम्मी मेरी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में जी। मेरे दादा परदादा दोनों देश के लिए आज़ादी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मैं खुद बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी में मेरी सप्लाई है, फिर बॉम्बे में मैं एक्टर हूँ, और मैंने 14-15 एल्बम किए हैं म्यूजिकल, 20-22 बड़े सीरियल किए हैं, कसौटी जिंदगी, कैसा ये प्यार है, सास भी कभी बहू, 5 बड़ी फिल्में की। अभी मैं अक्षय कुमार के साथ राम जेठमलानी की बायोग्राफी कर रहा हूँ, उसके राइट्स मेरे पास हैं जी। जी, तो आप पीलीभीत के रहने वाले हैं, और ये जामा मस्जिद का ब्यौरा मांगना आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ब्यौरा मांगने की? मैं काफ़ी साल से देख रहा हूँ, 20-22 साल से जिन लोगों के पास है वो लोग काफ़ी सारे घोटाले कर रहे थे, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया था। उसके मकान, दुकान, इन लोगों ने सब बेचबाज के बराबर कर दिया। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसकी, अब कुछ नहीं है। जो लोग 22 साल से बैठे हैं उन्होंने आज तक कभी किसी को ब्यौरा नहीं दिया। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप सक्षम हो, बॉम्बे रहते हो, ठीक ठाक हो, बात करो आप इससे। मैंने बात ही की थी, मैंने छोड़ देते हैं बात ना करके, वक्फ बोर्ड में डालते हैं। वक्फ बोर्ड में मैंने डाला इनके लिए, तो वहाँ से लिखित में जो ऑर्डर आया इनके खिलाफ नोटिस इशू हुआ। जैसे इन पर नोटिस इशू हुआ, इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। 2 बार जानलेवा हमला कर चुके हैं मेरे ऊपर ये लोग, और उसके बाद इन्होंने फिर पुलिस से मिलके मेरे पर गैंगस्टर लगवाई और मुकदमे दर्ज। तो आपको शिकायत मिली थी जामा मस्जिद के लिए? जी जी। तो जी, क्या शिकायत थी, किसने शिकायत करी और क्या शिकायत मिली थी, और उसके बाद जो आपने जब जामा मस्जिद से ब्यौरा मांगा, तो पहले तो मौखिक तौर पे मांगा होगा जी, फिर जी, उसके जी, बाद जब आपने लिखित तौर पे मांगा, कैसे लिखित तौर पे मांगा, किसको भेजा, क्या कार्रवाई हुई, और आपको जेल भी भेजा गया? हाँ, मैं 14 दिन जेल में रहा हूँ। तो क्या कुछ घटना थी, विस्तार से बताइए। ये था कि वक्फ बोर्ड को मैंने लिखित भेजा यहाँ पे, तो लिखित में उन्होंने वहाँ पे एक कमेटी भेजी, एक यहाँ से एक ऑफिसर, दो ऑफिसर के सॉरी यहाँ से लखनऊ से, उन्होंने जांच की। जांच में पाया गया इन्होंने इतने सारे मकान, इतनी दुकानें ये लोग बेच चुके हैं, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई 2-3 महीने के बाद, और रिपोर्ट में ये लोग दोषी पाए गए जी। उन्होंने इनको नोटिस इशू किया, ये दोषी पाए गए। उस जैसे ये दोषी पाए गए तो ये समझ गए थे इनको जाना पड़ेगा यहाँ से। इन्होंने ना छोड़ने के लिए इन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे पर मढ़ा कि मैं उस जो वहाँ मंगल बाजार लगती है उसका हफ्ता ये लोग वसूल करते, उल्टा इन्होंने मेरे पर कर दिया कि वो हफ्ता में, जबकि मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। बॉम्बे में बहुत खुश हूँ, मैं 22 साल से बॉम्बे रहता हूँ, मेरी माँ अकेली वहाँ रहती है, तो हर 15-20 दिन में उनसे मिलने आता हूँ। तो ये आरोप आपके ऊपर किसने लगाया कि आप हफ्ता वसूल करते हैं? शिराज बहादुर खान, साजिद बहादुर खान। अच्छा जी जी जी। तो क्या वो काफी बड़ी बाजार है उस शहर की? हाँ, 1.25 लाख रुपए हफ्ता उठता है उसका जी। अच्छा, ये सब 4-5 वो जो, अच्छा जो वो कमेटी में लोग हैं, आधे से ज्यादा उसमें कोई सट्टा खिलवाता है, कोई जुआ खिलवाता है शहर में, सब पता है पुलिस को, उनको अरेस्ट नहीं किया। जो उल्टे गैंगस्टर जिन पे लगनी चाहिए, जो शहर में बुरे काम कर रहे हैं, एक नेक आदमी पे, एक अच्छे आदमी पे उन्होंने गैंगस्टर लगाई है, जिसका बैकग्राउंड कहीं से भी खराब नहीं है। पूरे भारत में चेक, एकदम क्लीन आदमी हूं मैं, कहीं कुछ नहीं। तो राज खान जी, आज आप लखनऊ आए हैं, और क्या उम्मीदें लेके आए हैं, और किसके पास आए हुए हैं? मैं लखनऊ इसलिए आया था कि वक्फ बोर्ड में जाके मिलेंगे कि भाई आपने जो अभी इसका ठेका किया उसके बावजूद भी वापस उन्हीं को दे दिया जी, दोबारा ठेका उन्हीं का हो गया है, ये कैसे पॉसिबल है? जिनको नोटिस इशू है, जो क्रिमिनल पाए गए, जिन्होंने चोरी की है, उनको कैसे आपने वापस दे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यही बात करने आया था, लेकिन मुझे मिला नहीं कोई यहाँ। अच्छा, किसी मैं चेयरमैन से मिला, चेयरमैन शायद सुना आउट ऑफ लखनऊ है। अच्छा जी, तो आप लखनऊ में अभी रुकेंगे? मैं 2 दिन हूँ लखनऊ में, 2 दिन में जी। तो आपका जो ये मुकदमा चल रहा था, अब आपकी क्या क्या अगला कदम उठाएंगे, और क्या इंसाफ की मांग करते हैं शासन और प्रशासन से आप? मैंने लखनऊ सॉरी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मैंने स्टे लिया हुआ गैंगस्टर पे, ठीक है। मेरी प्रशासन से भी अपील है, योगी जी से भी यही है कि कम से कम इतना तो करें, जिस इंस्पेक्टर ने 5 लाख रुपए लेकर मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं जबकि बिल्कुल क्लीन हूँ, कम से कम उसे सस्पेंड करना चाहिए। SP को वहाँ के तत्काल से सस्पेंड करना चाहिए, उसकी मिलीभगत से हुआ ये, SHO की मिलीभगत से। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं जो इंस्पेक्टर है उस एरिया का, वो 5 लाख रुपए लेके आपके ऊपर मुकदमा करा है? 100%। तो इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य क्या है? 10 बजे मुझे अरेस्ट किया उस इंस्पेक्टर ने, प्लान करके 10:30 बजे मुझे अरेस्टिंग दिखा दी उसने, 12:30 बजे FIR दर्ज करी है उसने, और 3 बजे की घटना दिखा रहा है, कैसे पॉसिबल है आप बताइए ना मुझे।
कैसे पॉसिबल है ये बात कि तीनों अलग अलग बातें इसी, तो आप ये कह रहे इसी बेस पे हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया इसी बात पे, इसी पॉइंट पे। अच्छा जी जी, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम ये रहेगा मैं अभी अपने जो मेरे पर मुकदमे लगे हैं मैं उसको क्वेश्चन कराऊंगा FIR और प्लस जो चार्जशीट लग गई है, इन्होंने चार्जशीट भी फर्जी दाखिल की है वहाँ, उसमें भी मुझे इन्होंने क्रिमिनल बताया जबकि मेरे ऊपर कोई मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं है। गैंगस्टर उस आदमी के ऊपर लगती है जिसके ऊपर 10-12-15 मुकदमे होते हैं, जिसकी गैंग सक्रिय होती है, कुछ गैंग एक्टिविटी, और जो तीन लोग मेरे साथ जुड़े वो तीनों इनोसेंट है, वो भी क्लियर है बिल्कुल, उनके ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं पूरे भारत में कहीं पे भी जी। यूपी तो छोड़िए, पूरे इंडिया में उनके ऊपर 151 तक दर्ज नहीं है, तो वो गैंगस्टर कैसे हो गए? यही सवाल है मेरा प्रशासन से कि वो गैंगस्टर कैसे हैं कि आप लोग मासूम लोगों को जो है क्रिमिनल बना रहे हैं आप लोग, भाई इनोसेंट ही है वो बच्चे। तो वो लोग कहाँ रहते हैं जो तीन लोग हैं आपके अलावा, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ के आपके साथ मुंबई में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, 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 वो पीलीभीत में ही रहते हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे। और आपका कितना समय मुंबई में बीतता है और कितना समय पीलीभीत में? मैं मोस्टली मुंबई रहता हूँ, लेकिन अभी जब फादर की डेथ हो गई तो माँ अकेली है, तो मुझे 15-20 दिन में महीने में चक्कर लगाना पड़ता है उनकी वजह से, मैं हमेशा आता हूँ। तो मैं ईद करने घर आया हुआ था जी, मैं ईद करने घर आया हुआ था, प्री प्लान इन लोगों ने मुझे 6 मई को उठा लिया इन लोगों ने मुझे जी जी जी, मुझे तो पता भी नहीं, प्लान करके बैठे थे। तो आप 14 दिन जेल में रहे? मैं 14 दिन जेल में रहा। ओके जी, ये है देश का जो एक धार्मिक स्थल को लेके जिस तरीके से जो घोटाले उजागर होते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, कहते हैं कि काफ़ी नछावर आता है और काफ़ी पैसा आता है यहाँ पे, और जब कोई उसका ब्यौरा मांगता है तो वो खुद ही सलाखों के पीछे नज़र आता है। ये हमारे साथ राज खान मौजूद थे, जिन्होंने इंडिया की 4th लार्जेस्ट मस्जिद जो है पीलीभीत में बनी हुई है, जामा मस्जिद जिसको जाना जाता है जामा मस्जिद के नाम से, उसका ब्यौरा मांगा और उसके ब्यौरे मांगने के बाद इनके ऊपर और इनके साथियों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया। देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स में, आकिम राज खान।